क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 है. इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो डिटरमाइन करो साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी. तो देखो ये मैंने मान लो मैंने अपना राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है. राइट एंगल किस पे बनाना है, बी पर बनाना है, तो राइट एंगल बी पर बना लेते हैं. इसको ए कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, ठीक है. ए बी है हमारा 24 सेंटीमीटर, बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन करो साइन ए कॉस ए, देखो इस तरह के, और साइन सी कॉस सी. देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और थर्ड साइड भी निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो हमें गिवन आप लिखोगे इन राइट ट्राइंगल्ड ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी 24 बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है. ये आपका टू फाइंड में आ जाएगा, फिर आप अपना करोगे सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी हम अपना यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखो इस ट्राइंगल में देखो एच ये है, ठीक. पी और बी आप कोई मान लो, कोई भी, अगर हम ए और बी इसमें पहले में तो ए के अकॉर्डिंग पी और बी लेंगे और बाद में सी के अकॉर्डिंग लेंगे, तो दोबारा तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे. पी और बी सेम साइड ऐड करने पे आती हैं, तो यहाँ पे आपको इफेक्ट करने पड़ने वाला नहीं है. तो मैं इसे बेस कह दूंगी, इसे परपेंडिकुलर कह दूंगी, ठीक है. जब हम साइन ए साइन सी की बात करेंगे तो पी और बी डिफरेंट होंगे, लेकिन फिलहाल जब हम इसको यहाँ पे निकाल रहे हैं एच, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का सम एच के इक्वल होता है. तो एच है हमारी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए बी का स्क्वायर. ए सी है फाइंड आउट करनी है, बी सी आपकी है 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर. ए सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसका स्क्वायर होता है आपका 24 का 676 होता है आई थिंक, देखते हैं 576 होता है. ए सी का स्क्वायर आया 965, 4 और 1 5 12 625 स्क्वायर उधर जाकर बनेगा स्क्वायर रूट. ए सी आ गई आपकी 25, क्योंकि किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 का स्क्वायर रूट हुआ 25. सबसे पहला काम आप ये करोगे जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करोगे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, दो साइड दी है, तीसरी साइड आप सबसे पहले निकालोगे. अब देखो जब हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, साइन ए की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको ट्राइंगल यही वाला बना के दिखाती हूँ. यहाँ पे मेरा ए बी सी की मैं बात कर रही हूँ, ए 24 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर और ये आपका आया 25 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे जब मैं ए यानी कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, तो इस वाले ट्राइंगल में आपका इस वाले एंगल के सामने वाली साइड बी होगी, ये आपकी एच होगी 90 डिग्री के सामने वाली, तो ये बेस बचा. तो सब आप साइन ए निकालेंगे, वो होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर है बी सी, बेस है आप एच है आपकी ए सी यानी कि 7/25. जब आप कॉस ए निकालेंगे तो वो होता है बी बाय एच यानी कि ए बी बाय ए सी यानी कि 24/25, ठीक है फर्स्ट पार्ट के लिए. जब आप सेकेंड पार्ट के लिए करेंगे तो फिर मैं ये अगेन ट्राइंगल बनाती हूँ, ए बी एंड सी, ठीक है. ए ये आपकी 25 है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है. यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो सी है, हमें साइन सी फाइंड आउट करना है यानी कि ये. तो देखो पी और बी चेंज हो जाएंगे. अब जब थीटा जो भी हमें निकालना है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये आपकी होगी एच और ये होगा बेस, यानी कि हाइपोटेनस तो सेम रहनी है, लेकिन पी और बी डिपेंड करते हैं आप किस एंगल की बात कर रहे हो. तो अब की बार ये पी हो गया, अब दोबारा से निकालो साइन सी होता है पी बाय एच, पी है आपका ए बी बाय ए सी यानी कि 24/25 सेंटीमीटर, और रेशियो में तो ये आता ही नहीं, सेंटीमीटर आ रही नहीं. अब बात करोगे अब कॉस सी की, कॉस सी होता है बी बाय एच, बेस है आपका बी सी और ए सी यानी कि 7/25 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो कॉस सी आया आपका 7/25. होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.